सभी विद्यार्थियों को डीएस दड़ी का नमस्ते। आज हम सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इनडेफिनाइट टेंस ऐसा भी कहते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस की यहाँ पे अपन डेफिनेशन देख रहे हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो गई उस क्रिया को इस टेंस में व्यक्त किया जाता है, बताया जाता है। तो इसके अंदर इसका फार्मूला दिया हुआ है, यस मतलब सब्जेक्ट, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल्स हो सभी सब्जेक्ट्स। उसके बाद वी टू मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो इसके सेंटेंस देखेंगे, मतलब अपन ने डेफिनेशन देखी, उसका फार्मूला देखा और अब आप सेंटेंस देखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में था, थी, थे, या, इस तरह के लास्ट में वर्ड हिंदी में आते। तो आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला। सेकंड में ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। सी एट मैंगो, उसने आम खाया। दे ब्रॉट बुक्स, उन्होंने किताब लाई। वी रोट लेटर्स, हमने खत लिखे। यू लिसन अ स्टोरी, तुमने कहानी सुनी। इस तरह के सेंटेंस। अबे आगे भी एग्जांपल आपको दिए हुए, तो ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, मतलब उसने कल मुझे कलम दिया। आई लिव इन दिस हाउस, मैं उस इस घर में रहता था। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। वी लर्न अवर लेसन, हमने अपना पाठ याद किया। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, सी रोट अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सिक्स नंबर का है, द कारपेंटर मेड अ चेयर, बड़ाई ने कुर्सी बनाई। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन बनाने के हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू डिट का उपयोग किया जाता है, और डिट का उपयोग करने के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिट होने की वजह से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे दिया हुआ है सेंटेंस है, डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी। Did I give you a pen? क्या मैंने तुम्हें कलम दी। Did your mother not love you? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। Did she not come here? क्या वो यहाँ नहीं आती थी। WH question में भी हम सवाल पूछ सकते हैं। WH question के बाद did, उसके बाद subject, उसके बाद negative sentence हो तो not, और पॉजिटिव हो तो सिर्फ वी वन। तो व्हाई डिड यू नॉट रन विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी। वेयर डिड यू ब्रदर गो यस्टरडे, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया। व्हेन डिड मोहन रिटर्न, मोहन कब लौट कर आया। How many boys did not come to the class? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। How much milk did that baby drink? उस बच्चे ने कितना दूध पिया। और who come to your house yesterday? तुम्हारे घर कल कौन आया। उसी के साथ अगर हमें निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद did not, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो, मतलब नेवर का प्रयोग किया जाता हो, तो सिर्फ क्या आई नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते, सिर्फ सेकंड फॉर्म ही लगाते। सेंटेंस में देखेंगे, ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, वो कल हॉकी नहीं खेला। द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन, लड़कों ने अपना पार्ट याद नहीं किया। अब यहाँ पे नेवर का सेंटेंस आया हुआ है, आई नेवर केम लेट, मैं कभी देर से नहीं आया। सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया। और यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए।
तो इस तरह से ये प्रेजेंट, इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस या इनडेफिनाइट टेंस के जो ये सेंटेंस दिए हुए, तो ये पॉजिटिव भी बनाते आते हैं, नेगेटिव भी बनाते आते हैं, इसके क्वेश्चन भी बनाते आते हैं और उसी के साथ इसके पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाते आते हैं। इसी तरह से ये इसके बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए हुए, इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस ये अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो। इसी तरह से अच्छे अच्छे टेंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, और कुछ आपको डिफ़िकल्टी रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना भूले मत। थैंक यू, धन्यवाद।